पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 150 साल पुरानी दंड आधारित न्याय प्रणाली के लिए पुराने आपराधिक कानूनों की जगह अब 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। ये 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू होंगे। नए कानून लागू होने से पहले मुरादाबाद में अधिवक्ताओं का क्या कहना है, इसी के लिए आज अधिवक्ताओं से चर्चा की गई, जिस पर अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ अधिवक्ताओं ने इसे जनता के हित से बताया तो कुछ ने इसे नकार दिया। देखिए, मैं सबसे पहले तो केंद्र सरकार की इस बात के लिए तारीफ भी करना चाहता हूं कि उन्होंने जो अंग्रेजी जमाने के कानून थे जो चले आ रहे थे उसमें बदलाव किया है, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आज बहुत अच्छे कानून लागू हुए हैं, लेकिन इन्हें किस तरीके से लागू किया जाता है इस पर भी निर्भर है। जैसे एक सबसे बड़ी बात ये थी, अगर किसी के विरुद्ध कोई आदमी अदालत में जाता था और 156(3) का केस दायर करता था तो वो उसे मालूम है कि मेरे खिलाफ़ 156(3) का झूठा केस हो रहा है, उसके बाद भी वो अदालत में अपने पक्ष को नहीं रख सकता था। अब ये जो संशोधन किया है उससे ये है कि जो आदमी, मान लीजिए मेरे खिलाफ़ कोई हो रहा है, आपके खिलाफ़ कोई हो रहा है, तो आपको अदालत नोटिस करेगी और आपको ये मौका दिया जाएगा कि आपके खिलाफ़ जो 156(3) में ये लोग आए हैं, वास्तव में आप दोषी हैं और पुलिस आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रही है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा मामला है। दूसरा, एक रेप का कानून है जिसमें ये है कि जो अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार कर दिया जाता था, जो 6 साल की बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, उस पर कड़ा कानून लाया गया है कि उन्हें कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जितने कानून केंद्र सरकार द्वारा आईपीसी में, सीआरपीसी में और एविडेंस में जितने संशोधन किए गए हैं, वो वास्तव में अगर धरातल पर पूरी तरीके से उतर आएंगे और उनका सही तरीके से पालन होगा और उन पालन करने वाले, चूँकि कानून तो अब भी हैं लेकिन जो निचले स्तर पर हमारे जो मुलाजिम बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, उनका सही तरीके से अब भी पालन नहीं करते। अगर सही तरीके से पालन किया जाएगा तो जो सुधार केंद्र सरकार द्वारा इन कानूनों में किया गया है वो जनहित में है, जनता के फायदे में है और लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। देखिए, कुछ तो व्यवस्थाएँ पुरानी जो चली आ रही थी उनका कहीं ना कहीं उसको परिवर्तन का आवश्यकता थी। जहाँ आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस की जो जटिलताएं थी उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए इन व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी, लेकिन अभी ये आवश्यकताएं धीरे धीरे पूर्ण होनी चाहिए थी। एकदम से कानून का परिवर्तन कर देना और 1 जुलाई एक निश्चित तारीख से उसके बाद लागू कर देना, थोड़ी समस्या अब ये अधिवक्ताओं को आएगी और बहुत सी समस्या न्यायिक अधिकारियों को आएगी। जहाँ कुछ पत्रावलियाँ जो पुरानी निस्तारित नहीं हुई हैं, अभी तक हज़ारों लाखों की संख्या में पत्रावलियाँ पेंडिंग हैं जो पुराने कानून के हिसाब से चलेंगी, और 1 जुलाई के बाद से जो भी नई FIR, जो भी नए वाद योजित होंगे वो नई आचार संहिता के माध्यम से होंगे, नई जो CRPC है उसके माध्यम से होंगे, नई IPC होगी। ये सब चीज़ें, व्यवस्थाएँ समझने में और उसको प्रक्रिया में आने में समय लगेगा। इससे जल्दी न्याय मिलेगा? देखिए, अब जो चीज़ इम्प्लीमेंट अभी 1 जुलाई से होगी उसके बारे में कोई कमेंट करना कि उससे न्याय जल्दी मिलेगा या न्याय प्राप्त करने में देर होगी, इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। सरकार की मंशा हमेशा यही रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट रहे, माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भी मंशा यही रही है कि निस्तारण जल्दी हो, लेकिन अभी भी सिस्टम हमारा वही तो है, ह्यूमन बींग्स का है। आज भी पुलिस के द्वारा सम्मन की तामीलात समय से नहीं होती है, जो समय पीरियड दे रखा है सम्मन की, BW की, NBW की, ये प्रक्रिया भी आने में समय लगेगा। थोड़ा पुरानी अधिवक्ताओं को परेशानी भी होगी और पब्लिक को शायद कुछ फ़ायदा हो। अब तो ये के लागू होने के बाद ही व्यवहार में तो बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, पुराने अधिवक्ताओं को तो दोबारा से जो है पूरा पढ़ना पड़ेगा ही। लेकिन जिस तरीके से अमेंडमेंट हो रहा है, चेंजेस अमेंडमेंट क्या हो रहा है, नए उनकी जगह नए कानून लेकर आए, अमेंडमेंट नहीं है, नए कानून लेकर आए बिल्कुल। मतलब जब पहले अंग्रेजों के ज़माने की भारतीय दंड संहिता थी, अब उसकी जगह भारतीय जो न्याय संहिता लेकर आए हैं और नया साक्ष्य अधिनियम लेकर आए हैं,
और सीआरपीसी का भी जो नया प्रोसीजर लेकर आए हैं। ये लगता है कि चेंजेस आएंगे? हाँ, बदलाव तो होगा, थोड़ा हो सकता है। ये जो है जुडिशरी पे भी थोड़ा सा प्रेशर बने उसमें, क्योंकि उन्हें भी इसमें जुडिशरी को भी जो है जांच के दायरे में लाने का प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। समय को देखते हुए जरूरी थे यार। हाँ, बदलाव की तो समय के रहते जो है बदलाव की जरूरत हर कानून में रहती है, तो जरूरी तो थे, पर इतना नहीं कि ये एक साथ ही सारे बदल दिए जाते। उसमें संशोधन किया जा सकता था, न्याय मिलने में आसानी होगी। हाँ, थोड़ा त्वरित न्याय की तो और ले जाने का प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।